नहीं नहीं स्टार्ट जैसन ब्रावो तो सब रंजन साहब ओएस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में कराची कार चैंपियनशिप की लाइव कवरेज मुकम्मल तौर पे इस वक्त जारी है और हम उस सुबह मौजूद थे उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ पांचवीं उड़ान में 18 अप्रैल को और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद बाबर कासमी साहब की छत पे और यहाँ पर भी ये छत भी जो है कार चैंपियनशिप में बड़े अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है और इस वक्त इनके तमाम कबूतर जो हैं ऊपर जा चुके हैं और मुनसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो एक कबूतर, चूँकि सुबह जो है हवा और बादल थे जिसकी वजह से कुछ कबूतर कई छतों के एक एक दो दो कबूतर नीचे रह गए थे तो उनमें इनके भी कबूतर नीचे थे लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पे बेहतरीन किस्म की बुलंदी पकड़ गए हैं कबूतर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी इनसे पहली यहाँ पे मुलाकात है, इतनी डिटेल्ड पहले हम फंक्शंस वगैरह में एक दो दफ़ा मुलाकात हुई है तो बड़ा नॉलेज है इनके पास और बड़ी जो है अच्छी खूबसूरत अंदाज से जो है गुफ्तगू फरमाते हैं तो हम आपकी बात भी करवाएंगे और सबसे पहले हम जो हैं यहाँ पे जो मुनसिफ हैं उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनसे थोड़ी सी सिचुएशन हम ले लेते हैं उनकी छत की फिर हम जो है उनके पास चलते हैं बाबर कासमी साहब के पास। पहले जो है हमारे मुनसिफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा क्योंकि ठीक है। अच्छा आपका नाम क्या है? अब्दुल जब्बार। अच्छा उस्ताद अब्दुल जब्बार साहब, उस्ताद आप किस छत से मुनसिफ आए हैं? वैसे मैंने पूछ लिया था लेकिन ये जरा वीडियो में ताकि सबको पता चले, हफीज काका, उस्ताद हफीज काका साहब की छत से आप उस्ताद अब्दुल जब्बार साहब जो मुनसिफ आए हुए, ठीक हो गया। तो क्या पोजीशन, आज पहली दफा इधर आए? अच्छा तो क्या पोजीशन है सुबह से? छह कबूतर तो बंद है जो मतलब नजर आ रहा है सुबह से नीचे तक तो काफी हेड पे ऊपर गए, अब चले गए ऊपर तो उम्मीद है आपको कि वो बंद हो गए? कबूतर सही थे इनके? सही है। तो पॉइंट्स में जो काबली शाबली जो आप कहते हैं उस हिसाब से अच्छे कबूतर, ठीक है अच्छे तरीके से भी गए सही। तो ये सिर्फ मतलब आप समझते हैं कि ये बादलों की वजह थी कि जो कबूतर नीचे रह गया? वैसे कबूतर ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। और रवैया वगैरह इनका सबका सही, सब कुछ ठीक है? चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। उस्ताद बाबर कासमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप जो है हमारी छत पे आए, हमारे गरीब खाने पे आए। हम आपको दिलो जान से आपका जो है वेलकम करते हैं और आपकी जितना आपके पास नॉलेज है, मैं नहीं समझता कि हमारे पास भी इतना नॉलेज हो। नहीं, नहीं, आपकी एक अच्छी शख्सियत, आपके हाथ में अल्लाह पाक की जात ने ऐसा हुनर दिया है कि आप जिस कबूतर को ऐसे पकड़ लेते हैं तो उसके इची बिची आप बता देते हैं। नहीं नहीं, ये आप जैसे जो हमारे बुजुर्ग उस्ताद हैं जो हमारे सीनियर हैं वो उन्हीं से सीखा हुआ है और उनसे ही सीखते हैं और आज आपसे भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना कराची के माहौल पे जो आजकल चल रहा है, माशाल्लाह बड़ा जोरों शोर से ये चैंपियनशिप चल रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है उस्ताद आसिफ जमाल साहब का, उस्ताद हाजी यूसुफ साहब, उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और दीगर दोस्त अहबाब जो सारे जो लीडर्स हैं इधर के मुख्तलिफ ग्रुप्स के, सबका एक बड़ा हाथ है। और ये कराची में जो जितने अरसे से मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ उसमें मैंने देखा कि अगर साथ चल भी रहे होते हैं ना तो अगर शुगल में भी कोई कहते कि यार आपस में बाजी भी खेलते हैं तो वो एक दूसरे से रस्ते अलग हो जाते थे, तो ये हालात थे। अब इस दफा देखने में आ रहा है कि सब ग्रुप इकट्ठे एक ही टूर्नामेंट है और उसमें बाजियों का ट्रेंड भी है, तो क्या समझते हैं इनकी इस काविश को जो ये तमाम असाध्य? इसमें जनाब शौक बेहतर होगा और मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा, बिल्कुल, और भाइयों की तरह शौक होना चाहिए और एक गुलदस्ते की तरह फूलों के मुनैंद होना चाहिए, बेशक एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए, उस्तादों की इज्जत शागिर्दों को करनी चाहिए, उस्तादों को शागिर्दों को जो है प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और एक दूसरे का एहतराम सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल। और जो भी जिस पार्टी का रिंग लीडर है
उसकी जो है इज्जत एहतराम होना चाहिए। बाकी ये किसी किस्म का ये नहीं होना चाहिए, ये पोस्टबाजी और ये फलाना हो गया जी, ये कर दिया। अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से शौक को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। और जैसा कि अभी खान साहब ने, सरदार कयूम खान साहब ने, आसफ जमाल भाई ने, आजी साहब ने ये शौक को अब इकट्ठा किया है, अल्लाह पाक की जात करे ये बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, कराची में पंजाब जैसा शौक आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। जैसे वहां पर आप शौक देख रहे हैं हिटबाजी और फलाना, और ऐसे ही हिटबाजियां यहाँ भी शुरू हो गई हैं, जो कि आसफ जमाल साहब ने जो है वो दानिश लड़का उससे वो जी 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 सिफर चार से जीती हैं। हमने उन्हें पहले भी मुबारकबाद दी, आपके प्रोग्राम में भी फिर मुबारकबाद देते हैं जी जी। तो ये जो है ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो इससे जो है मजीद और बेहतरी आएगी। लोग चाहेंगे हमारा पहला कबूतर पहले से भी लगे और फिर जो है पर से पर लगे, हिट भी लगे और एवरेज भी लगे और फिर जो है थड़े की बाजियां भी लगे जी जी जी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को छते दे। बिल्कुल जनाब, ये मैं 10 छते दे रहा हूँ, आप अपनी 10 छते लिखवाएं, तो इससे शौक मजीद बेहतर आएगा। बेशक ऐसी है। और मैं इसमें जो है इनकी काविशों को और खास तौर पे आप जैसे शख्सियत को मैं कहूंगा कि आप इस ट्रेंड को जो है ना मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो इनके दिल में एक आग की चिंगारी जलेगी, वो जो है जलती नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अभी बल्कि हमने आसिफ भाई के पास भी आज आगे देखेंगे, शाम तक गए नहीं तो कल इनके पास जरूर जाएंगे, हम ये बातें अभी उनसे भी करनी है तो उनसे भी पूछेंगे। लेकिन आप जैसे जो प्लेयर्स हैं, असल तो चीज है कि फीडबैक प्लेयर्स का क्या होता है। जैसे आपका एक पॉजिटिव फीडबैक आया, आपने मतलब सजेशन भी दे दिए कि ये थड़े की बाजियां या पैकेज बाजियां जो है ये होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली कि आपकी ये बात को हम आगे आसिफ भाई तक, सरदार साहब तक, हाजी साहब तक हम भी पहुंचाएंगे अपनी जबान में कि जी अगर आपके प्लेयर्स इस बात पे राजी हैं तो आपको तो ये परेशानी होनी नहीं चाहिए। जैसे कि हमने देखे ना, हमारे रिंग लीडर बने हुए इस टाइम हाजी यूसुफ साहब जी जी, ठीक है जी जी। तो वहां पर सरदार कयूम साहब है, तो अभी इनकी आपस में जो है ये छते आपस में लगाए, ठीक है कि नहीं, जो इधर ग्रुप के लोग हैं वो इधर दें, उधर दें, इससे ये शौक बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसी है। वैसे तो अभी मैं समझता हूँ इसे थड़े की बाजियां समझता हूँ, क्योंकि हाजी साहब के शिगिर्द की ताहिर गुजर से बाजी लगी है जी जी। अली आतफ की तो हाजी साहब की उनसे लगी है, तो इसी तरीके से मजीद अगर 2-4-5 और छते बढ़ जाएंगी तो इस दफा जो छते कम आई है इसकी बुनियादी वजह है रमजान जी जी जी। रमजान से अगर हटके ये कबूतरबाजी होगी ना तो ये छते तकरीबन 80-90-100 तक चली जाएंगी और उसमें बेहतर बाजियां लगेंगी। बिल्कुल ऐसी है। और इंशाल्लाह ताला इन तीनों शख्सियत को मैं सलूट मारता हूँ कि जिन्होंने जो है कराची इकट्ठा करके अच्छा शौक करवा रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, हकीकत है। अच्छा माशाल्लाह, ये बात तो हो गई कराची के हवाले से। अब थोड़ी सी कराची के कबूतरबाजी पर आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये हवाएं और ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है, अब मैं पहली दफा बाजियों के दौरान, हम पहली दफा आए हैं, वैसे हम आते हैं दिसंबर नवंबर दिसंबर में, वो मतलब आपके शॉक ऑफ सीजन होता है, फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो इस दफा जो आके मैंने सूरत हाल देखी है उसमें मैंने देखा है कि कराची का शौक पाकिस्तान के तमाम खिता जात से मुख्तलिफ है और मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने धूप की सख्ती भी देखी है एकदम से जो आती है चमक धूप में, और आज मैंने एक नया सिलसिला देखा है कि बादल एक मशरिक को चल रहा है तो एक मगरिब को चल रहा है, मतलब मुखालिफ सिमतों में चल रहा है। फिर हवा का जोर, जैसे अभी मुनसिफ साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब उस्ताद हैं, इन्होंने कहा कि जी कबूतर नीचे रह गया था बादल की वजह से, कबूतर ठीक है मेरे मुताबिक, हर चीज ओके है। तो मतलब ये एक डिस्टर्बेंस है, तो इन डिस्टर्बेंस को कैसे आप कवर करते हैं और इसके लिए क्या आपके जेहन में होता है कि यार ये हमारी एहतियाती तदाबीर होंगी? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस मौसम में आप बच्चों को उड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बच्चों से आपको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये इन मौसमों में इन बदलों से निकल निकल के आ रहा है जी जी। तो वो जब आप देख लेते हैं कि इन मौसमों से वो निकल निकल के आ रहा है, तो फिर आप उसे जो है निशान लगा लेते हैं कि ये बच्चा जो है ना हर मौसम में निकल के आया है। जैसा कि किसी छत ने भी 100 छोड़ा बच्चा, 200 छोड़ा, तो उसमें वो जो है गिनती के जो है 25-30-40 बच्चे अपने वो सही उन मौसमों के, ये हर मौसम में निकल के आया है, तो फिर वो बेहतरी की तरफ वो आगे उनको लेके चलते रहते हैं, उनको लेके चलते रहते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि उड़ा के ही पता चलेगा? हाँ जी, ऐसे नहीं चलेगा, उड़ा के उनको बदलों का आदि करना पड़ता है। हाँ, ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि बदलों में जो है 7-7 साल पुराने कबूतर चले गए हैं, जो बदल के में फंस गया तो वो फिर वो जो है समझ लेंगे हाजी साहब की एक कबूतरी जो है वो
सखर से मिली है। हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बादलों का जो ट्रेंड है, इसमें जो है जो बच्चे उड़ा उड़ा के वहाँ से निकलते आते हैं, बैठते हैं आते जाते हैं, तो फिर मालिक को जो है ना उसके यकीन पुख्ता हो जाता है कि यार इसने हर मौसम देखा हुआ, ये इंशाल्लाह ताला कारकर्दगी अचीव करेगा। बाकी यहाँ पर 5 दफा मौसम चेंज होता है, कभी हवा इधर की हो जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी रुक जाएगी, कभी उछाल आ जाएगा, जितनी मर्जी गर्मी हो 3 बजे के बाद मौसम ने बेहतर होना ही होना है। ऐसे ही हो साथ ही 3 बजे के बाद मौसम बेहतर हो जाता है। जो कबूतर अच्छा होता है, बना हुआ होता है, बाज कबूतर बैठ जाते हैं, बाज की परवाज हट जाते हैं, पूरा वापस हो जाते हैं, उनकी परवाज ही पूरी नहीं होती। वो कबूतर जाते नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे कबूतर होते हैं, उनकी परवाज पूरी नहीं होती। परवाज पूरी नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो रात रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जो ताल्लुक है पंजाब से भी रहा है। जी जी। तो पंजाब ऑब्वियसली अभी भी आना जाना होगा, सब कुछ होगा, तो रिश्तेदारी है, सब कुछ होगी। फिर कराची में आपकी रिहाइश है और कराची में आप अरसा दराज से एक शौक कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब पंजाब जाते होंगे वहां पे भी एक उछकल तो होती है ना हर कबूतरबाज को कि भी मैं यहाँ पे भी लोगों से मिलूं और उनके कबूतर देखूं। ऑब्वियसली आपने वहां पे कबूतर देखे होंगे जा के भी। तो एक चीज हमारे यहाँ होती है कि हम जाते हैं कहीं तो वो कहते हैं यहाँ कराची में ऐसा कबूतर उड़ता है, वो कहते हैं यहाँ लाहौर में या यहाँ सियालकोट में, या हम लोग कहते हैं यहाँ करके हम बात करते हैं अपने शहर के मुताबिक। जबकि मेरे तजर्बे के मुताबिक जो चैंपियन कबूतर होगा ना, आप कराची का भी देख लें, लाहौर का देख लें, रावलपिंडी का देख लें, जहां जाएंगे जो चैंपियन कबूतर होगा उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। जी जी बिल्कुल। ये चीज आपने देखी होगी। बिल्कुल देखी है। तो फिर ये क्या फर्क है यहाँ पे और वहां पे लोग जो कहते हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग का ही फर्क है या क्या नस्लों में, जिस्म में या पॉइंट्स में कोई फर्क डालना वाकई हकीकत है इस बात में? नहीं जी, फर्क कराची कबूतरों में डालना 100% है। अच्छा। क्योंकि मैं मियां साकिब साहब जो कि उस्ताद है मेरे, उनसे मैं बिल्लोरानी लाया हूँ जो उनकी बड़ी हाई ब्रीड है, और फिर लाहौर से। हाँ जी, इनके आप रियाज पार्टी से आपका ताल्लुक? जी, रियाज पार्टी से मेरा तल्लक है और मियां साकिब साहब मेरे उस्ताद है माशाल्लाह। तो वहां से मैं जो है बिल्लोरानी लेके आया हूँ और फिर उनके पास से कमगर कबूतर लेके आया हूँ, वो फिर मैंने अपने कबूतरों में उनको इस्तेमाल करा है, जिसमें कि मैंने उनकी 9वीं बड़ी की है। सही। जब 9वीं बड़ी की है या 9वीं 10वीं बराबर की है या 10वीं बड़ी कर गया हूँ, तो वो कबूतर हमारे हवा में जो है यहाँ पर लड़े हैं। सही। और बेहतरीन लड़ाई उन्होंने की है। यानी कि ये परों की गेम है असल। हाँ जी, परों की स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। हाँ जी, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन पर जो है आपको फर्क रखना पड़ेगा, सख्त करनी पड़ती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी। ये आपने एक पॉइंट दिया कि तीली थोड़ी सी सख्त करनी पड़ती है, वहाँ पर रेशम नरम कबूतर होता है क्योंकि वहां पर मौसम ऐसा है। यहाँ पर मौसम 4-5 किस्म का है, बदलता है, तो यहाँ पर तीली थोड़ी सख्त करनी पड़ती है। हाँ, वो तीली में लचक और नरमी ना हो, मतलब लिपो गुड्डा ना हो। वही गल आ गई ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। हाँ, वो आपके कहने का मकसद है कि उस तरह का गुड्डा ना उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एक मेन जो पॉइंट है, मेजर ये। अच्छा, आप तकरीबन यहाँ आप अरसा दराज से शौक कर रहे हैं, तो उस वक्त में ये आपके जो इलाकाई कबूतर होते थे, मतलब शेख जफर साहब कहते हैं कि यहाँ पे शुरू से जो कबूतर उड़ते आए ना, वो सियालकोटी कबूतर ज्यादा लोगों ने जो किया ना उस पर ही इनहसार किया। फिर अगर हम बलोच साइड पर जाते हैं तो बलोच कहते हैं कि जी हमारे कबूतर उससे भी पुराने हैं, फकीर गुल कबूतर है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये दो कबूतर जो थे ये कराची के पुराने कबूतरों में, तो क्या इनकी कोई परफॉर्मेंस जो है उस वक्त के हिसाब से अच्छी थी या अब भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये क्रॉस जरूरी है अब? जी, मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ कि जो वो कबूतर थे ना जो साथ जी भी बैठे हैं पुराने, उस टाइम घंटे बनते थे 30-32। ये मुझे इन्हें देख के याद है, हफीज काका के पास मैंने देखे थे फकीर गुल। हाँ जी, 30-32, जो 50 बनाता था तो उसको उठ के देखते थे कि इसने 50 घंटे बना लिए। ऐसे ही हो साथ जी, जिसमें फरजंद कुल्फी वाला था, वो इस खेल का जो है ना वो सदर होता था। तो जब इन सियालकोटियों को, जब इन फकीर गुलों को कमगरों टैडियों में किया है क्रॉस, तो फिर जाके इन्होंने पिछले घर देखे हैं। अच्छा, सही। फिर जाके ये, अगर हम इनको उनका क्रॉस ना दें, ये हम मोहताज हैं। बिल्कुल सही। अगर उनका क्रॉस ना दें तो आज भी हमारे 30-32 घंटे ही बने, 12 बजे 1 बजे तक। वो बस इतनी कहानी होती थी, सामने बैठे पूछो आप, इतनी कहानी होती। ऐसे ही था ना साजी,
और अब जो है जब इनमें मगर टैडी दिए हैं ना तो उन्होंने बल्ले बल्ले करवा दी है। मैंने कहा जी के वाकई कबूतरों में जो है ना इनकी अगर 14-15 घंटे की परवाज है तो इनमें डाल के उन्होंने कहा है कि हमारी इतनी परवाज है, उन्होंने मनवाया अपना आप। मतलब वो भी मोहताज है तो ये भी मोहताज। हाँ जी, अगर हम सीधा उड़ा देंगे, यहाँ मौसम नरम है, 3 बजे के बाद यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, भले जितनी मर्जी गर्मी पड़ी हो 3 बजे के बाद मौसम ने बिल्कुल चेंज हो जाना है, तो उनकी परवाह नहीं पूरी होनी, वो रात रह जाने, वो हमारे किस काम के। बिल्कुल सही बात, हमें तो वो चाहिए कबूतर जो पर्चे में लिखा जाए। बिल्कुल सही, ये हकीकत है, ये प्लेयर के लिए, प्लेयर के लिए तो वही कबूतर, वही कबूतर है। तो हमें जो है फिर इनको जो है हम क्रॉस देते हैं, इन्हें हम थोड़ी सी मेहनत करके बनाते हैं, बना के अब मैंने जो है वहाँ लाहौर में DSP तारक रांझा है जी जी जी, उससे मैं लाल मोतियों वाले लेके आया हूँ। अच्छा, लाल मोतियों वाले ला के मैंने कमगरों में डाले हैं, उनकी कारकर्दगी ने जवाब नहीं उनका। ये तो आपने कमाल कर दिया, मोतियों वाले कबूतरों का बाकी गोल्डनों के साथ एक बड़ा अच्छा मैं कह रहा हूँ जवाब नहीं है। और उनकी जो है आज भी मेरे ख्याल एक के दो मादियां उड़ी हुई है, पहली बाजी में वो मादी जो है मेरी, मेरा 5वां कबूतर 5 बजे करीब बैठा, 6ठा कबूतर 5 बजे करीब, और 7वां बैठा 6:08 पे, और वो मादी ऊपर खड़ी हुई है, उसकी परवाह पूरी नहीं है, वो रात रह गई, दूसरे दिन सुबह आई है। अच्छा, और आज भी ऊपर है, आज फिर ऊपर है, फिर ऊपर है आज। अच्छा, बड़ी बात है, क्या बात है, सही हो गया। तो अच्छा, ये जो अभी शौक हो रहा है, ये अभी कह रहे हैं कि जी ये जो 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं जिनमें से 7 का टाइम होता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी इसको अगले साल चेंज करें शौक को, 11 कबूतरों तक लेकर जाएं। बहुत अच्छी बात है, चेंज करें तो उसके साथ मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि आसिफ जमाल भाई पंजाब के खिलाड़ी हैं जी जी, तो उसमें 11 कबूतर सिलेक्शन कर लिए जाए, जो घट जाए वो डाल दिया जाए। ठीक है, जो कम हो जाए उसको डाल दिया जाए, लेकिन उड़े वही कबूतर, उड़े वही कबूतर। तो मैं मेरी समझ के मुताबिक बहुत अच्छा शौक हो जाएगा, पता चल जाएगा यार कि ये वाकई कबूतरबाजी हो रही है। सही हो गया, आप उसमें फ्रेश कबूतर ना लाए, आप वही 11 कबूतर रखें, अगर कोई चला जाए तो उसको डाल दें। बिल्कुल सही हो गया, ये भी हकीकत है, सही कह रहे हैं आप। बाकी जो है अगर वो बदली करना चाह रहे हैं 11 कबूतर तो वो भी ठीक है, हमारे हमें तो हम तो इनके साथ हैं, हर तरीके से उड़ाएंगे। सही, कराची के शौक में दो, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, कहीं का मौसम कुछ है तो कहीं का मौसम कुछ है, क्या इस चीज को एक मुश्किल के तौर पे आप समझते हैं कि ये एक मुश्किल जो है लम्हा है कि आपकी अब 1-to-1 मुकाबले हैं, वो अगर क्लिफ्टन में डिफेंस में आपके किसी के साथ हैं तो वहाँ का मौसम कुछ है, यहाँ का मौसम कुछ है, तो ये कुछ फर्क पड़ता है आपको, मसाइल है ये? हाँ जी, मैं उसकी भी आपको वजाहत कर देता हूँ। अगर हमें जो है उसका ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर 50% से ज्यादा हमें उसका नुकसान होता है, तो फिर शाम को 50% से ज्यादा फायदा भी तो होता है। सही है, ये कोई नहीं बताता। हाँ, कि अगर उनका 50 रात को जो कबूतर निकला है तो वो कहाँ बैठेगा बेचारा, उसको तो 50% वैसे ही वो बहुत ठंडा मौसम मिल गया। हाँ, वो पर्चे से ही आउट हो गया। ये दोनों चीजें होनी चाहिए ना जी, तो हम मैं खैर इस चीज को मैं नहीं करता। देखिए, अगर उन्हें सुबह फायदा हुआ है 50%, तो 50% शाम को नुकसान भी हुआ है। सही है, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नुक्ते को मैंने भी आपको एक नुक्ता दिया है, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये नहीं है कि भाई शौक है, अगर उन्हें सुबह फायदा हुआ है तो शाम को उनको नुकसान भी तो हुआ है। हाँ, यहाँ पर वो मौसम जो है इतने लेवल में आ गया तो आपके कबूतर बैठ जाएंगे, वो बेचारे बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको और ठंडा मौसम मिल गया। सही, तो मतलब आप कहते हैं कि ये ठीक है, नॉर्मल है, ऐसी बात है, जो अगर कोई इस बात पर बात करता है तो वो गलत करता है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर सुबह उन्हें एडवांटेज है तो शाम को नुकसान है, तो शाम को नुकसान भी तो है ना, इस तरफ भी तो आओ ना आप, क्योंकि कबूतरबाजी होनी चाहिए दिलेरी की, इसे जो है मानना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये कबूतर जो है उसका दिन में ये है तो रात में ये है, वो अच्छी कबूतरबाजी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, एक आपका फोन बार बार आ रहा है, एक सवाल और आपसे करूंगा, तो कोई जरूरी फोन है तो नहीं, नहीं। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं करूंगा इस बारे में कि कराची के जो कबूतरबाज हैं, कबूतर परवर हैं, आप बड़े अरसे से इनमें मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कबूतर परवर माजी में भी और हाल में भी जो आपको जहन पे एक वो छाप बना गया अपनी,
जो आपके यादों में रहता हो, अगर माजी में कोई है तो, और या अब हाल में अगर कोई है तो वो भी, तो किसको आप समझते हैं कि एक अच्छा उस्ताद या अच्छा प्लेयर या अच्छा मुकाबला करने वाला है? सरदार कयूम साहब, दलेर खिलाड़ी, नडर खिलाड़ी, सही, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कबूतर परवर, बिल्कुल सही। वैसे तो सारे ही है, देखो मैं हमारे पार्टी के रिंग लीडर हाजी यूसुफ साहब है, बेहतरीन कबूतर उड़ा रहे हैं, हालांकि अब सरदार साहब की बाजियां भी उनसे उड़ी हैं, जी जी, तो उन्होंने बाजियां भी जीती हैं, और बाकी लेकिन जो है नडार और दलेर प्लेयर और अच्छे कबूतरबाज, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उनकी नडार और दलेरी जो है मैं उसका कायल हूँ, उसको सलूट मारता हूँ। क्या बात है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, और उनकी ये चीज को देखते हुए जो है ना कबूतरबाजी ऐसी दलेरी सी होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए कि रफीउल्लाह ने कहा तो हम बैठे हैं, अब सोचे किस चीज का सोचे, आप बाजी लगाओगे, कोई हाँ। बात नहीं, आज जीत बात की बात है, हाँ वो बात की बात है, उत्तरवादी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त का भी, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हम मौजूद थे जनाब उस्ताद बाबर कासमी साहब के पास, उस्ताद अब्दुलजब्बार साहब जो हैं यहाँ पे, उस्ताद हफीज काका साहब की तरफ से मुनसिफ आए हुए हैं। तो अभी तक कबूतरों की पोजीशन ये है कि ये फिर नीचे आ गया, चलो इसको तो कवर करें ना बीच में, ये बाकी कबूतर बंद हैं, ये ही दोबारा नीचे आ गया, हाँ तो ये एक कबूतर है जो नीचे आ गया है, तो हमने सोचा कि आपको ये दिखा दें। देखें जी ये कबूतर नीचे फिर रहा है, और सुबह से ये ही नीचे है, इसके ऊपर एक मादा है वो भी नीचे आ गई है, वो मेरा ख्याल कोई जुट था तो ये टूट गया ना, मुझे उम्मीद है कि अब ये बैठने के गेड़ में है। फिर बुलंद हो गया, फिर हट रहा, बड़ा अच्छा कबूतर है माशाल्लाह, मादा भी इसकी वजह से ही टूटी है। फिर चढ़ गया, अब ठीक है ना, ऊपर ले गई, अच्छा उस्ताद एक और चीज यहाँ पे चले मेरे जेन में आ गई कबूतर को देख के, अच्छी बात है ना, एक्सप्लेनेशन चल रही है, बात चल रही है, एक और बात मुझे बताएं कि कराची में एक शोर चलता है पट्टी वाला क्रॉस, और वो जी निशानी ये कि जी नीचे फिर रहा है कबूतर, लंबा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये जब अप्रूव हुए हैं कबूतर, मोहर लगी है, उस वक्त में भी तो ऑब्वियसली इन्हीं कबूतरों को मोहरें लगी थी, तो इनकी कोई प्रॉपर निशानी नहीं है कि छुप जाते हैं, क्या चक्कर है? इनकी उड़ान से पता चलता था जो काबी होता है ना जी, ये छोटे चक्कर लेके तो ऐसे जाएगा ऊपर, सही है, जो उसमें जो होगा ना वो लंबी पट्टी करेगा, ऐसे करेगा, लंबी पट्टी करेगा और तेज चलेगा, तेज चलेगा, हाँ जी सही। और ये देखिए आप कबूतर नीचे आया भी है तो इसने छोटे चक्कर लिए और ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, इसकी उड़ान ही उनसे अलग होगी काबली की, सही हो गया। तो ये मतलब ये आप उड़ाए बगैर नहीं इनको जज कर सकते? नहीं नहीं, इसमें तो आप पता ही नहीं चलता, कल सिरे, कल दुम्बे, टैडी, कमगर सब बन गए हुए, ये तो सब उन्होंने बना लिए हुए, क्रॉस होके ऐसे, क्रॉस होके ऐसे बन गए, तो मतलब मेन ये उड़ान से ही अंदाजा, उड़ान से पता चल जाएगा आपको जैसे ही ये उठेंगे और ये ऐसे चलेंगे सीधे, क्यों? अच्छा जी, अच्छा उस्ताद ये अगर ये बात है उड़ान से अंदाजा होना, तो फिर इतने कलर्स पे बैन क्यों लगाया? ये तो होना ही नहीं चाहिए, जब हेल्प दे दिया है खुदा को नाजर का हाजर नाजर करके, जैसा कि अब जाम साहब वाले कबूतर है दागो वाले, अगर हम उसमें कोई कबूतर डाल के बनाना चाहते हैं, कोई वो मादी पे चला जाता है, या अगर हमने नर डाला नर पे चला जाता है, तो हमारे लिए तो वो बेकार हो गया जी,
तो बाकी जो है अगर ये जितने भी हमारे बड़े हैं ये बैठ के जो फैसला इन्होंने किया है हमने उस पर लब्बैक कहा है। अलग मेरे अपने शिगिर्द की छत पे एक मकर कबूतरिया थी जीरी, शाम शाम बैठती थी, तो इन्होंने जीरो पे भी बैड लगा दिया। हाँ, हालांकि जीरा तो कमगर आपने तो पंजाब के आपने तो इन सब देखा है उस आदमी में उतर जीरा तो रंग है कमगरों का, रंग है कमगरों का, तो इन्होंने उसको भी बैड किया हुआ है, जबकि हमने पिछली दफा इन्हें कहा था ये बैड नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब अब इनको ये एक चीज जो है, वैसे मैं भी यही कहूंगा कि अब एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर पहले नहीं पता चल रहा तो आपने मोरों में भी बात कर दी, मोरे खुद लगा के आए कि अप्रूव करके आए, और उसके बावजूद कबूतर आपको अब खुल रहे हैं कि यार ये इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और ये आ रही, तो फिर तो इन्हें चाहिए कि कलर तो सारे खोल दें, कलर तो खोल दें, मतलब जालदार नीले और ये वो सारे जो बंद है वो कलर जो है उनको खोल देना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल खोलना चाहिए। और दूसरे नंबर पे परवाजों से अंदाजा होगा, परवाजों से अगर जब ये कोई एलिगेशन लग गया कि भाई ये कबूतर जो है ऐसे नीचे घूम रहा है पट्टी वालों की तरह या ये कोई ऐसा है तो कैंसिल होगा। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कीमती वक्त का, और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी आपने बातें की सर, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त के जो है शुक्रगुजार हैं। और ये नाज़रीन उस्ताद बाबर कासमी साहब, ये उस्ताद अब्दुल जब्बार साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपने हमें बर्दाश्त किया यहाँ पे बींग ए मुनसिफ, और ये अजीम साहब हैं, ये आपके साथ ही होते हैं यहाँ पर, तो और ये शागिर्द भी हैं आपके, उस्ताद बन गए। अच्छा, ये अभी उस्ताद हैं माशाल्लाह, चलें सही हो गया, मतलब ये आपके दाएं बाजू हैं इस वक्त छत पे, तो बहुत शुक्रिया सर। तो ले जी, इसके साथ ही हम यहाँ से चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।